Happy Hornbill! Welcome to Nagaland! सो हेलो इंडिया, कैसे हो आप सभी। आपका भाई यहाँ पे ट्रैवलिंग फूड का एक नया एपिसोड लेके आ चुका है। फिलहाल हम इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं नागालैंड में और आज है हॉर्नबिल फेस्टिवल का फर्स्ट डे। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का, जिसका लोगों को सालों से इंतजार रहता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल म्यूजिक का, डांस का और कल्चर का फेस्टिवल है, जिसे 2000 में स्टार्ट किया था नागालैंड टूरिज्म के द्वारा टू प्रमोट रिच हेरिटेज कल्चर ऑफ नागालैंड। हॉर्नबिल बेसिकली बर्ड होता है और ये फेस्टिवल जहाँ पर होता है उसका नाम है किजामा विलेज। किजामा विलेज के नाम में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि किजामा का की आया है किगवामा नाम की विलेज से, सा आया है फिजामा नाम की विलेज से और माँ का मतलब नागामीज में होता है विलेज, तो किजामा इस जगह का नाम पड़ा। गवर्नमेंट ने इस विलेज को इसलिए बनाया ताकि टू सेव द कल्चर ऑफ नागालैंड। तो चलो इस प्यारी से फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। मैंने आपको थोड़ी बहुत डिटेल्स बता दी हैं, तो अब मैं आपको देने वाला हूँ फुल टूर इस फेस्टिवल का। बेसिकली नागालैंड में 16 ट्राइब्स हैं जो कि इस फेस्टिवल में परफॉर्म करेंगी। तो चलो एक एक ट्राइब्स को चलकर देखते हैं कि क्या हो रहा है फेस्टिवल में। तो बेसिकली आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ से ट्राइब्स शुरू होती हैं। तो सबसे पहली ट्राइब आती है कुकी ट्राइब और सभी ट्राइब्स की अपनी अपनी स्पेसिफिक ड्रेस होती है जिससे आप उनको पहचान सकते हो। और आपको सभी ट्राइब्स के स्टॉल्स मिल जाएंगे जो कि ट्रेडिशनल फूड होता है जितनी भी ट्राइब्स हैं यहाँ की। तो ये है फूड का स्टॉल, यहाँ पर आपको क्लोथ्स मिल जाएंगे और सामने आपको ट्राइबल लोग मिल जाएंगे। मेरे पीछे आप देख रहे हो जेलियांग ट्राइब, जिनका यहाँ पर ट्रेडिशनल म्यूज़िक चल रहा है। यहाँ तो अब हम आ चुके हैं अंगामी ट्राइब में। तो अब हम सामने आ चुके हैं चाखेसंग ट्राइब के अंदर और देखते हैं इधर पर क्या चल रहा है। तो अब हम आ चुके हैं रेंगमा ट्राइब में और आप ये मोरोंग देख रहे होगे ना, जो हर ट्राइब के सामने लिखा हुआ है। तो मोरोंग का मतलब होता है झोपड़ी, जो कि ये जो छोटे छोटे घर होते हैं ना, तो इसमें नागामीज में से मोरोंग बोलते हैं। Happy Hornbill! Welcome to Nagaland! तो यहाँ पर है लोथा ट्राइब का मोरोंग। तो गाइज ये रहा सुमी ट्राइब का मोरोंग। तो ये है पोचोरी ट्राइब का मोरोंग। तो यहाँ पर है संगतम ट्राइब। तो ये है भाई लोग नागालैंड की सबसे मेजर ट्राइब जिसका नाम है आओ ट्राइब और यहाँ पर सब ट्रेडिशनल फूड एंजॉय कर रहे हैं। तो गाइज हमने ऑलमोस्ट सारी ट्राइब्स कवर कर लिए, मैंने आपको सारी ट्राइब्स दिखा दिया और अब सीधा चलते हैं जहाँ पर ये ट्राइब्स परफॉर्मेंस करने वाली हैं। यहाँ पर एक ग्राउंड है जो कि मेन ग्राउंड होने वाला है परफॉर्मेंस के लिए, इवेंट्स के लिए। तो सीधा आपको लेकर चलता हूँ उस ग्राउंड पे। तो बेसिकली ये रहा भाई फेस्टिवल ग्राउंड जहाँ पर इवेंट होने वाला, वो रहा मेन स्टेज। और हमको सीट मिल चुकी है क्योंकि अभी और भीड़ हो जाएगी ना तो भर जाएगी, तो हम जल्दी आकर बैठ गए इधर पे। परफॉर्मेंस वगैरह तो ओवर हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और अब यहाँ पर चीफ गेस्ट का वेलकम किया जा रहा है, जो कि बाहर से आए ना लोग, उनका वेलकम कर रहे हैं। एवरीबॉडी इज सेइंग दैट आई एम मलयाली लाइक हेयर की वजह से। तो अभी गाइस बज चुके हैं 4:33 यहाँ पर, और अभी फेस्टिवल में रिप्रेजेंटेशन चली, एकदम प्रेजेंटेशन, लोग स्पीचेस दे रहे हैं। और अभी आप देखोगे तो भाई को पहचानो, पहचानो भाई को मैं किसके साथ बैठा हूँ। वांट टू से एनीथिंग टू माय ऑडियंस? I love you. अभी यहाँ पर आओ और मजे उठाओ। भाई बहुत मजे आ रहे हैं। जब ये कैमरा सामने आ जाता है ना, कैरेक्टर बाहर आ जाता है भाई। आप ना किसी भी वीडियोग्राफर के पास जाओ और हाँ उनसे मिलो तो लगेगा हमारा वीडियो में तो ऐसा दिखता है, तो यहाँ पर क्यों ऐसा नहीं है? लेकिन उनके सामने आप कैमरा ऑन करो तो उनका कैरेक्टर बाहर निकल आता है, जैसे मेरा आता है। लेकिन भाई तो ना जैसे वीडियो में दिखते हैं ना, वैसे बाहर भी है, बहुत फ्रेंडली है, सबसे अच्छे से बात करते हैं यार, एकदम सेम है भाई। हंसते रहिए, खेल खिलाते रहिए, जिंदगी छोटा सा है, मजा करिए। तो नॉर्थ ईस्ट की ऑडियंस तो खुश हो गई होगी। उसमें टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि आप किसी और को देख के यार ये तो कर रहा है, वो तो ये कर रहा है, अरे आपके पास जो है बस उतना काफ़ी है भाई। तो फाइनली गाइस फेस्टिवल की ओपनिंग हो चुकी है। This is Nagaland. This is Nagaland, home to rainbows, where the past offers a roadmap to humanity's future. Welcome to Nagaland. Welcome to Hornbill Festival, festival of फाइनली पार्टी इज ओवर, बट अभी फेस्टिवल खत्म नहीं हुआ है। 10 दिन का ये फेस्टिवल है। हॉर्नबिल इज नॉट अ वर्ड फॉर नागा पीपल, बल्कि वो उनके जीवन की शैली है, जिसे वो बचा कर इन पहाड़ों में जिंदा रखे हुए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब करना। आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक ले बाय बाय, कीप ट्रैवलिंग, और हंसते रहिए और देखते रहिए ट्रैवलिंग।